हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। ये 80 मार्क्स का है, देख सकते हो। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है, तो जरूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम आए ये पेपर। जैसा कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ, यहाँ पे जो आंसर्स आप देख सकते हो, कुछ कुछ आंसर्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। ये वही क्वेश्चन पेपर है जो सेकेंड यूनिट टेस्ट का था, जो बार बार आप डिमांड कर रहे थे, वही वाला है। आप देख सकते हो पेपर पैटर्न, और यहाँ पे देख सकते हो आप जो आपकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे है। इसके शॉर्ट्स वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे भी देख लेना। यहाँ पे क्लियर है। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके चाहिए, पूरा आंसर चाहिए इसका, तो वो भी मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके और आंसर्स चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं बना दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से सेक्शन वाइज दिया गया है। पोइट्री का पार्ट देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये आया है, ये एक्चुअली एसएससी का है। यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे एसएससी, ठीक है, महाराष्ट्र का। ये सीबीएसई का नहीं है। इसके पहले भी जो मैंने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया था, उसमें भी इसी चैप्टर का आया था, तानसेन वाला ही चैप्टर था। देखो, तानसेन वाला ही था उसमें भी, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था। था क्या है, अभी आपका एग्ज़ाम जिन बच्चों का नहीं हुआ है इनके लिए हेल्पफुल है ये पेपर, और जिन बच्चों का हो गया है, जो बार बार परेशान है, जिनका अभी तक नहीं मिला है, जो जैसे जैसे मुझे मिलेगा मैं सबका प्रोवाइड करूँगी। सो फिलहाल आपको जो भी टिक मार्क कराए गए हैं वो आप अच्छे से देखो, अच्छे से करो। मुझे जैसे जैसे पेपर मिलता जाएगा मैं कराते जाऊंगी। तो जिन बच्चों का 1 अप्रैल से है एग्ज़ाम, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये पेपर और हेल्पफुल हो जाएगा एक्चुअली। तो और जिनके जिनका चल रहा है एग्ज़ाम, वो प्लीज़ भरोसे ना बैठो कि आपका कब आएगा पेपर। आप 6 बजे प्रोवाइड कर दो, 7 बजे कर दो, ऐसा नहीं होता। जब पेपर हाथ में आता है तो ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस स्टैंडर्ड का आएगा तो ही। ठीक है, ऐसे पेपर निकाल के या फिर इस तरीके से आपको हम नहीं दे सकते। वो पेपर जब आता है तो ही, जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उस दिन वो पेपर मिलेगा। इस बार लेट हो गया पेपर, इसलिए लेट मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ। इस बार भी तुम्हारे सेकेंड यूनिट टेस्ट का भी लेट ही प्रोवाइड किया था, बहुत लेट हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट पेपर ही होता है। और ये पब्लिकेशन का पेपर है, कुछ ई भारती करके है पब्लिकेशन, शायद वहीं से आता है। ठीक है, देख लीजिए। आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर पूरा एक्सप्लेन करके चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, शॉर्ट्स वीडियो भी इसका बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो एक्सप्लेन करके, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके, एक एक क्वेश्चन का आंसर बता के मैं आपको आंसर बता दूंगी।